Hello students, today we will start our new chapter, chapter 9, changing families. यहाँ पर तीन families है, तीन लोगों की. पहली है निमिस family, दूसरी है सैरिन family and तीसरी है नजलिस family. तो इन तीनों की family में कुछ न कुछ changes आए हैं और वो changes के बाद उन लोग का जो रूटीन है वो कैसा होगा या कैसा रहेगा वो हमें आज देखना है. ऐसे चेंजेस अक्सर सारी फैमिलीज में आते हैं, जैसे कि कभी कोई बेबी का बॉर्न हुआ कुछ लोगों की फैमिली में, तो उन लोगों की फैमिली में भी चेंजेस आते हैं. कभी कभी हमारे आंट या हमारे जो मामा मामी जो होते हैं उनके मैरिज होते हैं, तब घर में एक न्यू मेम्बर आता है, तब भी कुछ चेंजेस आते हैं फैमिली में. कभी कभी हमें कहीं बाहर जाना पड़े तब भी चेंजेस आते हैं. तो ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो हमारी फैमिली में आते हैं. तो यहाँ पर इस यूनिट में ये जो तीन लोग हैं उन लोगों की लाइफ में भी कुछ चेंजेस हुए हैं. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज. दीस आर द फैमिलीज ऑफ निमी, सैरिन एंड नजली. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस. A new arrival. There is a great excitement in Nimmi's family. She has a new baby sister. पहले है निमी की फैमिली. निमी की फैमिली में एक बेबी का जन्म हुआ है. Look at the pictures and write. देख यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए गए हैं उस पिक्चर में ये है नजली, ये नजली के पापा, ये है निमी, ये निमी के पापा और यहाँ पर निमी की दादी है. तो ये लोग जो है वो कहाँ पर है, ये प्लस का निशान देखकर हमें पता चल सकता है कि ये लोग हॉस्पिटल में है और यहाँ पर उसकी जो मम्मी है उनके पास एक बेबी सिस्टर है छोटी सी. वो वेयर द मेंबर्स ऑफ निमिस फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर. जब ये बेबी नई थी उसके पहले निमी की फैमिली में कितने मेंबर्स थे, फादर मदर ग्रैंडमदर अंकल एंड निमी. देखिए इस पिक्चर में सारे फैमिली मेंबर्स हैं. पहले है ये है निमी की दादी, ये निमी के मम्मी पापा, ये जो है वो निमी के अंकल है और ये खुद निमी है और मम्मी के हाथ में निमी की छोटी सी सिस्टर है. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निमी फैमिली नाउ. पहले थे पांच लोग और अब हो गए सिक्स मेंबर्स कि अब एक छोटी सी बेबी आ गई. लेट अस टॉक, हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निमिस फैमिली मेंबर्स हैव चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. फॉर एग्जांपल, हाउ विल निमिस स्पेंड हर डे नाउ. अब निमी अपना डे कैसे स्पेंड करेगी, वो जो छोटी बेबी है उसके साथ खेल कर अपना डे वो पास करेगी. तो ये निमी की लाइफ में चेंज हुआ ना. व्हाट अ न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ. और अभी उसकी मम्मी के लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो गए, उसके लिए एक नया काम आ जाएगा टू लुक आफ्टर द न्यू बेबीज, क्योंकि अब उन्हें वो जो न्यू बेबी है उनकी देखभाल करनी पड़ेगी. देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमी'स फादर ग्रैंडमदर अंकल एंड द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. कैन यू टेल हाउ. इन सभी मेंबर्स में कुछ ना कुछ चेंज आएंगे क्योंकि अब एक घर में छोटा सा नन्ना सा नया मेहमान है जो ये सारे लोग उसके साथ खेलेंगे और उसकी मम्मी जो है उसकी देखभाल करेगी. तो सब लोगों का जो रूटीन है वो चेंज हो जाएगा. हैज अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड. आपके आसपास या आपके घर में भी किसी ऐसे छोटे बच्चा है. हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम. आपके पास अगर आपके घर में है तो आपके घर में है तो आप कैसा फील करोगे. हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी. बहुत सारे चेंजेस आते हैं. फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम टू एज रिलेटिव देन राइट. व्हेन वाज द बेबी बॉर्न. अगर आपके घर में है छोटी सी बेबी तो यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन आंसर है उसके आपको आंसर लिखने हैं. जैसे कि है व्हेन वाज अ बेबी बॉर्न. बेबी कब बॉर्न की थी. माय बेबी सिस्टर वाज बॉर्न फ्यू मंथ्स बैक. इज द बेबी अ बॉय और गर्ल. क्या है, बॉय है या गर्ल. गर्ल हो तो गर्ल लिखना है, बॉय हो तो बॉय लिखना है. व्हेन वाज अ बेबी बॉर्न.
अक्सर बेबीज जो होते हैं वो कहाँ पर बॉर्न होते हैं? हॉस्पिटल में। और आपको पता है जब वो हॉस्पिटल में बॉर्न होते हैं तब उनके पास और वहाँ पर जो डॉक्टर है जब वो घर ले आते हैं तब एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसे बॉर्न सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें बेबी कौन से टाइम जन्मी थी उस और कौन सी जो उसकी डिटेल है वो सब वो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी जाती है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही आगे बहुत काम आता है। वो डज द बेबी लुक लाइक, बेबी जो है वो किसके जैसे दिखती है? अगर मम्मी जैसे दिखती हो तो मम्मी जैसे दिखनी है, दिखना है, और फादर जैसे दिखती हो तो पापा जैसे दिखना है। वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर है? अक्सर नन्हे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हेयर जो होते हैं वो ब्राउन या ब्लैक होते हैं। वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज? उनकी आंखों का रंग ब्राउन या ब्लैक होता है। डज द बेबी हैव एनी टीथ? छोटे बच्चे को टीथ दांत नहीं होते हैं। वट इज द बेबीज लेंथ? अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं न्यू बेबी बॉर्न उनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादातर 2 feet होती है। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज अ बेबी स्लीप? जो छोटे बच्चे होते हैं वो कितने दिन में कितने आवर्स होते हैं? 10 या 12 hours। तो ऐसे तरह से जो आपके सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। देन न्यू प्लेस। सैलिक्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। द लेटर सेड दैट he was being promoted and would have to move to another city. अब है सेरिन की फैमिली। तो सेरिन की फैमिली में क्या चेंज आया? तो सेरिन का जो पापा थे फादर उनका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन यानी कि जो उनकी सैलरी है वो बढ़ जाएगी और अब जो वो जो प्लेस पर है उसे वो आगे एक स्टेप आगे जाएंगे यानी कि उनको तरक्की मिलेगी। When Sarin's father showed the letter of his family, how do you think the different members would have felt? अब जो सैरिन के जो पापा है उन्हें ये प्रमोशन का लेटर मिला है तो वो घर जाकर बताएंगे तो घर वाले क्या फील करेंगे? आपको क्या लगता है? Of course, वो खुश होंगे। What will change in Sarin's family after his father's transfer? For example, who from Sarin's family will live with his father at the new place? Which school will Sarin go to now? Will he have a new friend? जब ये चेंज हुआ है प्रमोशन तो उनके पापा को अब दूसरी जगह रहने जाना है। पहले वो एक जगह रहते थे वहाँ से अब दूसरी जगह जाना है तो सेरी और उसके मम्मी पापा वो लोग अब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर सेरी को दूसरी स्कूल में पढ़ना होगा, फिर उसके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। तो ये सारे चेंजेस सेरी के लाइफ में होंगे। हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पापा को प्रमोशन मिला हो और उनका ट्रांसफर हुआ हो तो उनको दूसरी जगह जाना हो, फिर आपको भी वहाँ जाकर नई स्कूल में एडमिशन लेना पड़े, फिर वहाँ पर अलग न्यू फ्रेंड्स बने आपके? What do you feel about this change? आपको ये चेंज कैसा लगता है? कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता और कुछ होते हैं जिनको वो अच्छा लगता है। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. क्या आपका जो फ्रेंड कोई है जो ऐसे ट्रांसफर होकर आया हो और फिर वो उनके लिए उसके लिए सब कुछ नया होगा? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेरिन की फैमिली है उनके पापा का ट्रांसफर हुआ है तो उनकी फैमिली में क्या चेंज आएगा? तो इनके मम्मी पापा है वो किसके साथ रहते हैं? अपने दादा दादी के साथ रहते हैं। तो दादा दादी अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो उनके घर में रहते हैं, वो घर छोड़ के जाने का उनको मन नहीं करता है। तो दादा दादी अब अकेले रहेंगे और सैरिन के मम्मी पापा और सैरिन वो अलग जगह पर जाएंगे। अब है नजलीज फैमिली। अब यहाँ पर नजलीज की फैमिली की बात की गई है। इट्स अ वेडिंग, यहाँ पर शादी है। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। जो नजलीज के जो एल्डर ब्रदर है कजिन ब्रदर है उनका उनकी आज शादी है।
Do you think that there will be any change in Nazli's family after this wedding? What will change? आपने सोचा है अब Nazli के घर एक न्यू मेंबर आएगा, वो होगी Nazli की भाभी। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये है ब्राइड, ब्राइड यानी कि दुल्हन, और इस पिक्चर में ये ब्राइड है और ये ब्राइड ग्रूम, दूल्हे को हम ब्राइड ग्रूम कहते हैं। Do you think there will be a change in the home from where the new bride has come? What kind of changes? जब न्यू ब्राइड घर पर आएगी तो कौन कौन से चेंजेस होंगे? बहुत सारे चेंजेस होंगे। Talk to your mother and aunts, is the family. Ask them about where they lived before they got married. आप अपनी मम्मी या आंटी से पूछ सकते हैं कि जब उनके मैरिज नहीं हुए थे तब वो कहाँ पर रहते थे? तो वो अपनी मम्मी पापा के घर उनके साथ रहते थे। जब मैरिज हो गए तब उनकी भी लाइफ में चेंज आया, नए फैमिली मेंबर्स बने। Who were the members in their families then? अब आप कुछ भी, और आप उनको ये भी पूछ सकते हैं कि तब उनकी फैमिली में कितने मेंबर थे और अब कितने मेंबर हैं? Talk to your classmate and write all about what happens during wedding is in their families. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है कि जब वेडिंग होती है तब कौन से चेंजेस होते हैं फैमिली में। What kind of special food is cooked? जब किसी की शादी होती है तो उस घर में अच्छे अच्छे फूड्स बनते हैं ना, जैसे कि स्वीट्स, पूरी, फाइव टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी, ये सारे सब अलग अलग प्रकार की डिशेस बनती है। What a special clothes do the bride and bridegroom wear? हमने देखा कि यहाँ पर ब्राइड और ब्राइडग्रूम है, उन्होंने अलग स्पेशल क्लोथ्स पहने हैं। जो ब्राइड है उन्होंने लहंगा चोली पहनी है और ब्राइडग्रूम है उन्होंने शेरवानी पहनी है। आपने भी किसी की शादी अटेंड की होगी, आपके घर में भी मामा या अंकल की शादी हुई होगी। What did see at the wedding that you attend? Draw some pictures in your notebook, then look at the pictures drawn by your classmate. आपको ड्राइंग अच्छा लगता हो तो आप उसकी ड्राइंग कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम हमारा चैप्टर यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने तीन फैमिली देखी और उनमें कुछ अलग अलग चेंजेस हुए वो देखे। तो पहले हमने क्या देखा? निमिस फैमिली। तो निमी की फैमिली में क्या चेंजेस हुए? निमी के घर एक छोटी सी उसकी बहन आई। फिर है सैलिस फैमिली, तो उसकी फैमिली में क्या चेंज हुआ? उसके पापा का ट्रांसफर हुआ और अब वो नई जगह पर रहने जाएंगे। फिर है नजलिस फैमिली, तो उसकी फैमिली में क्या चेंज हुआ? उसकी अब भाभी आ गई। तो बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।